वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु पैशन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। गाइज, मैं आज आपके लिए जो लाई हूँ इंडोर प्लांट्स लेकर आई हूँ, जो वेरी लो मेंटेनेंस है और बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही आपके घर को डेकोरेट करते हैं। आप भी इसको लगाइए और इन दिनों में खाली बैठ करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए सब मिलजुल के। तो आइए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइम इतना नहीं लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट में आपके लिए जो कलेक्शन लेकर आई हूँ, मेरे पास जो इंडोर प्लांट्स हैं वो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाऊं। तो देखिए, ये मेरे सारे इंडोर प्लांट्स हैं, और जबकि अभी कुछ और भी रखे हुए हैं बट वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो मैंने कहा गाइस इसलिए आपको थोड़ा सा ही दिखाती हूँ। तो देखिए ये सब है, तो चलते हैं हम। ये है एरोकेलिया, ये एरोकेलिया है जिसको क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी ब्यूटीफुल प्लांट है, आप सब जानते हैं कि क्रिसमस में इसको डेकोरेट भी किया जाता है और वेरी लो मेंटेनेंस है, बहुत ही आर्टी प्लांट है। मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको भी आप जरूर लगाइए। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये पीस लिली का है, इसमें व्हाइट फ्लावरिंग भी होती है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये इंडोर प्लांट है, ये भी लो मेंटेनेंस है, कोई इसकी मेंटेनेंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है और बहुत ही फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। देखिए इसके कितनी ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। देन उसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए ये जीजी प्लांट है और इसको जो है ये भी वेरी लो मेंटेनेंस है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। एक के मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ये आप इसको बाथरूम में भी रख सकते हैं। और गाइस जो ये है प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप का भी जो है ये इंडिकेट करता है और सिंबल है ये, और आप इसको बाथरूम में भी रख सकते हैं और बहुत ही प्यारा प्लांट है। और उसके बाद हम चलते हैं, ये मनी प्लांट देखिए। मनी प्लांट तो आप सबके घर में होगा ही और इसकी कई वैरायटी होती है, इसको पोथोस भी कहा जाता है। वैसे ये मार्बल मनी प्लांट है, मेरे घर में तो पूरे घर में जो है कहीं ना कहीं मैंने बास्केट में सब जगह पे मनी प्लांट्स लगा रखे हैं। वेरी लो मेंटेनेंस है और इसमें बस यही है गाइस, इसकी जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तब आपने पानी डालना है, वरना इसमें पानी डेली मत डालिए। ऐसे ही जीजी प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था गाइस, उसमें भी पानी जो है आपको डेली नहीं डालना है, उसको भी वेरी लो मेंटेनेंस है बट उसमें पानी ज्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद मैं चलती हूँ, देखिए ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम मेरा बास्केट वगैरह में हर जगह पे लगा हुआ है बट जो छोटे से पॉट में लगा हुआ था, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेरी इसकी तो जितनी तारीफ की जाऊँ मैं कम है, ये आप अपने बाथरूम में एवरीवेयर रख सकते हैं। ये बेचारा कभी खराब नहीं होता है, कभी इन द सेंस कि बिल्कुल एकदम से जहां पर लाइट नहीं भी आती आप इसको वहां रखिए, जिस तरह से मनी प्लांट को रखते हैं उस तरह से इसको आप रख सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा मल्टीप्लाई होता है, मेरे तो बास्केट वगैरह में सब जगह पे ये लगा हुआ है। वही अगेन, इसको आप बाथरूम में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए मनी प्लांट, मनी ट्री बोलते हैं इसको, इसको मनी ट्री कहा जाता है। ये मैं एक बोनसाई फॉर्म में लाई थी, देखिए ये देखिए इसका पॉट भी कितना प्यारा है और ये मैंने वही इंडोर में ही रखा हुआ है, क्योंकि हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है, हमारे गुड लक के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको भी रखा हुआ है। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगी, ये फाइकस का बोनसाई है, ये भी मैंने इंडोर में रखा हुआ है, अपने रूम में रखा हुआ है। और फाइकस का जो बोनसाई है देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसको लाए हुए मेरे को काफी टाइम हो गया है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है और मैं इसकी जो है कटिंग वगैरह थोड़ी सी करती रहती हूँ। आप ये भी लो मेंटेनेंस है, फाइकस का जो प्लांट होता है वेरी लो मेंटेनेंस होता है और इसमें भी वही अगेन ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ये जितने भी हैं तो इनमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। और ये देखिए कि ये दूसरा प्लांट जो मैं आपके लिए लाई हूँ, ये जो है सेंसोवेरिया, इसको भी कहा जाता है, स्नेक प्लांट भी कहा जाता है इसको। इसकी भी जो है मेरे पास कई तरीके के इसके जो आते हैं, कई तरीके के होते हैं, कई फॉर्म में है, पीली पत्तियों वाला है, लंबी पत्तियों होती है। देखिए गाइस वो बाहर मेरे आउटडोर में पड़े, मैं सारे तो नहीं ला सकती थी बट आपको एक फॉर्म दिखाने के लिए लाई हूँ गाइस। ये एयर प्यूरिफाइड प्लांट है, वेरी एयर प्यूरिफाइड। अभी तक मैंने आपको जो सिंगोनियम दिखाया था और जीजी प्लांट दिखाया था गाइस, वो भी जो है एयर प्यूरिफाइड प्लांट है और नासा में इसमें रिसर्च हो चुकी है कि ये वेरी एयर प्यूरिफाइड प्लांट्स हैं। अगर आप मेरी एयर प्यूरिफाइड प्लांट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आप इसको अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं क्योंकि ये जो है दिन और रात 24 घंटे जो है आपको ऑक्सीजन देता है। आप देखिए ये एरिका पाम है और ये भी वही, ये शॉर्ट मतलब शॉर्ट है, जो ये ऊपर ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। ये भी मैंने अपने इंडोर में रखा हुआ है, इसको सजाया हुआ है एरिका पाम को, ये भी वेरी लो मेंटेन है, वही आपको बता रही हूँ।
ये देखिए ये एग्लोनिमा है, ये वेरी लो मेंटेनेंस है और जो इसके में ना पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है। गाइस मैं सच बता रही हूँ आपको, 20 से 25 दिन जो है मैं इसे पानी नहीं डालती और ये इसी तरह से चलता है, ग्रो करता रहता है और वेरी लो लाइट में भी चलता है। ये ट्यूब लाइट में भी आप इसको रख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगी आप इसको जरूर लीजिए। और ये लैंडस्केप वगैरह में भी काम आता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है लैंडस्केप में। और इसके बाद ये देखिए स्पाइडर प्लांट है, ये भी वेरी इजी टू ग्रो है। ये स्पाइडर की तरह जो है इसके ये नीचे लीव्स जो है वो लटकते हैं और इसको आप बास्केट वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। और वेरी वही मैं आपको बोलूंगी अगेन, इसमें भी ये मतलब थोड़ा शेडी एरिया में इसको रखिए और वो जो इसमें पानी की भी बहुत मतलब इतनी जरूरत नहीं होती। हाँ ठीक है, आप इसको टच करके देख लीजिए इसकी मिट्टी को, अगर ये मिट्टी सूख रही है तो आप इसमें पानी डालिए। और नासा ने भी, मैं नासा वालों ने भी रिसर्च से बताया है कि एयर प्यूरीफाइड प्लांट्स हैं। गाइस मैं आपको ये जितने दिखा रही हूँ सारे ज़्यादातर एयर प्यूरीफाइड प्लांट्स हैं और इसको आप बाथरूम वगैरह में भी रख सकते हैं, आप किसी भी कोने में इसको सजाइए और बास्केट में भी लगाइए। इसके बाद ये देखिए ये कैथिलिया है, ये मैं पहले भी लाई थी बट मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी तो मेरा थोड़ा खराब हो गया था, बट अब मैं इसके बारे में पूरा जो है गाइस नॉलेज लेकर ही इसको मैं लेकर आई हूँ। ये भी बहुत सुंदर लगता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जो है मेरे डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। अगर आप मेरी हाउ टू सैनिटाइज योर होम में देखेंगे तो उसमें मैंने ये आपको दिखाया भी था। तो ये बहुत अच्छा है, ये भी काफ़ी टाइम तक चलता है और कोई इसको मतलब कि हार्डी तो नहीं कह सकते, इसको लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसके बाद देखिए ये बैम्बू है, लकी बैम्बू इसको कहा जाता है और चाइनीज जो फेंगशुई में जो है ये बहुत ही पॉपुलर है और प्रॉस्पर्टी वगैरह के लिए हर घर में लगाया जाता है, आप सभी जानते होंगे ये बैम्बू। ये मेरा जो है 2 साल से टाइम हो रहा है, मैं इसको लाई थी 1.5 साल से 2 साल हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल इसमें पानी की इतनी जरूरत नहीं होती है, मतलब कि महीने में 1-8 बार जो है इसको पानी थोड़ा सा जो है मैं स्प्रे कर देती हूँ। और इसके बाद देखिए ये भी है लकी बैम्बू ही है, ये देखिए मैंने एक बॉटल में लगाया हुआ है, आप इसके नीचे जो है जड़ें देख सकते हैं कितनी फैली हुई हैं और ये कितने इसके लीव्स अच्छे हैं। ये थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा ये सूख रहा है कि थोड़ी सी इसके मैंने केयर थोड़ी सी अभी नहीं की थी, तो ये भी बहुत आप अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए खाली पानी में ही ग्रो है और इसके साथ मैंने एक जो है मनी प्लांट की स्टेम ब्रांच काट के मैंने इसके साथ डाल दी थी। देखिए ये जो है ये भी आप जानते हैं लो मेंटेनेंस का है और इसकी लीव्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। और इसके बाद ये देखिए बॉस्टन फर्न का है, ये भी जो बास्केट वगैरह में बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है और इजी टू ग्रो है, बास्केट वगैरह में तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इसको भी मैं रेकमेंड करूंगी, आप इसको भी जरूर लगाइए, वही अगेन एयर प्यूरीफाइड प्लांट भी है। गाइस अगर आप एयर प्यूरीफाइड प्लांट्स की मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर देखिए उसको। और गाइस अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे मेंटेन किए जाते हैं ये प्लांट्स और कैसे जो है इनको जो है फर्टिलाइज किया जाता है और कैसे इनको जो है फीडिंग की जाती है और कैसे इनको वाटरिंग की जाती है, मैं सब आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। गाइस मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी, आप देख सकते हैं और इन प्लांट्स को लगाइए, खुश रहिए और मेरी वीडियो लाइक जरूर करिए अगर आपको पसंद आती है। और जो मेरे साथ जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम में भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप हेल्दी रहिए, मस्ती में रहिए और ये हरे हरे प्लांट्स लगाइए और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।